A very good morning to all the students. This is your teacher, Durga ma'am. Children, in your previous class, you studied chapter 2, parts of our body, in which you came to know about various sense organs and their importance. Today, we will study about differently able people, special schools, sign language, braille script, walking aids, and about old age. Children, you must have come across few children in our school who cannot speak properly, those who cannot walk properly, some cannot hear properly, or there are people in our society who are not able to see things properly. Such students or such people are said to be differently abled, या फिर उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन भी कहा जाता है. ऐसी स्पेशल चिल्ड्रन हमारे स्कूल के आशा किरण क्लासरूम में भी जाते हैं. यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर जैसे कई सारे टीचर्स हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन को नई नई चीज़ें सिखाते हैं. ऐसे क्लासरूम में जाकर इन बच्चों का आत्म अभिमान, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बच्चों, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि दो गर्ल्स कुछ बातें कर रहे हैं, पर ये बातें इशारों में कर रहे हैं. ऐसी भाषा को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, मतलब इशारों से की गई बातें. जिस किसी को भी सुनने या बोलने की दिक्कत होती है, वो इस तरह से साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं. ये जो अल्फाबेट बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें आप पाएंगे कि ए से लेकर जी तक के लेटर्स हैं, और हर अल्फाबेट के सामने एक हैंड जेस्चर बना हुआ है, मतलब एक हाथ से दिया गया एक तरह का इशारा. हर एक हैंड जेस्चर एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है. सो दोज चिल्ड्रन हु कैनॉट हियर और स्पीक आर टॉट दिस साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर मैसेजेस टू अदर्स. साथ ही वे लिप रीडिंग मेथड भी यूज करते हैं. लिप रीडिंग में लिप्स, फेस या टंग का मूवमेंट से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाया जाता है. ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट वो लोग यूज करते हैं जिन्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता. ब्रेल स्क्रिप्ट ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हर अल्फाबेट के लिए कुछ डॉट्स दिए होते हैं, कुछ डॉट्स रेज्ड होते हैं और कुछ दबे हुए यानी कि फ्लैट होते हैं. ऐसे लोग अपनी उंगलियों से इन लेटर्स को छूकर समझ जाते हैं कि कौन सा अल्फाबेट लिखा गया है और वह वर्ड्स को पढ़ पाते हैं. Walking aids. People who cannot walk properly use walking aids. मतलब ऐसे साधन जिससे चलने में आसानी होती है. कुछ walking aids की picture यहाँ आप देख सकते हैं. For example, crutches, walking sticks और wheelchair. Children, can you recognize in the next slide who this person is? सुधा चंद्रन. बहुत साल पहले इनके पैर में एक एक्सीडेंट की वजह से चोट आ गई थी. इस वजह से
उसके बाद इन्होंने अपने पैरों में जयपुर फुट लगाया। आज ये एक फेमस भरतनाट्यम डांसर और एक एक्टर भी हैं। चिल्ड्रन, आपके घरों में नाना नानी या दादा दादी ज़रूर कोई ना कोई आपके साथ रहते होंगे। आपने देखा होगा कि शारीरिक रूप से वे कमज़ोर होते हैं और उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आप उनका ख्याल रखें, उनका साथ समय बिताएं। आप उनसे बहुत सारी अच्छी बातें भी सीख सकते हैं। सो लेट्स टेक केयर ऑफ आवर एल्डरली ऑलवेज। थैंक यू चिल्ड्रन।